हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2ax plus 3by is equal to a plus b, 3ax plus 2by is equal to 2a plus b. सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सो x प्लस y लिखने का जरूरत नहीं, फर्स्ट हम कोएफिशिएंट्स लिखेंगे. ओके, सो 2a 3b माइनस ऑफ a प्लस 2b. ये माइनस क्यों है? क्योंकि ऑल द कोएफिशिएंट शुड बी ऑन वन साइड ऑफ इक्वालिटी. नेक्स्ट 2a 3b माइनस ऑफ a प्लस 2b, 3a 2b, 2a प्लस b का एक माइनस है क्योंकि दिस इज ऑल्सो ऑन द राइट साइड, दिस हैज टू गो ऑन टू दिस साइड, सो एक माइनस आएगा. फिर 3a 2b माइनस ऑफ 2a प्लस b. ओके, यू डोंट नीड द फर्स्ट कॉलम एंड द लास्ट कॉलम. ये दोनों के बीच में x, ये दोनों के बीच में y, यहां 1. सो x डिवाइडेड बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर, माइनस ऑफ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वो माइनस एंड माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा. सो प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, से दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस ऑफ माइनस, सो ये प्लस हो जाएगा. सो प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2a इंटू 2b इज 4ab माइनस 9, 3 इंटू 3 इज 9ab. दिस इंप्लाइज x डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज b स्क्वायर, 2ab माइनस 6ab इज माइनस 4ab इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज a स्क्वायर, 2ab माइनस 6ab इज माइनस 4ab इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4ab माइनस 9ab इज माइनस 5ab. This implies x divided by, if you take b as common, you get b minus 4a is equal to minus 1 by 5ab. ये दोनों को आप equate कर लीजिए. So b b cancel हुआ. So simply x is equal to minus of b minus 4a by 5a. Or simply 4a minus b by 5a. X का value आ गया. सिमिलरली ये दोनों को इक्वेट करेंगे. सो y बाय a कॉमन आएगा, a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 5ab. a कैंसिल हुआ. सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस 4b बाय 5b और सिंपली 4b माइनस a बाय 5b. So y is equal to 4b minus a by 5b. So x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया. So again, cross multiplication method का प्रैक्टिस करना चाहिए. Okay? So mostly you have to concentrate on how signs change. So जब दोनों को मल्टीप्लाई करते, देखिए यहां माइनस आया, बट ऑलरेडी जब ये दोनों को मल्टीप्लाई हुआ माइनस here. So फॉर्मूला का माइनस और ये वाला माइनस, दोनों मिलके प्लस हो गया. देखें दोनों साइंस यहां भी सेम है, माइनस इनटू प्लस इज माइनस, ये दो नंबर्स का माइनस है. माइनस ऑफ दिस इनटू दिस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में एक माइनस है, फॉर्मूला में एक माइनस है. सो वो दोनों माइनसेस जो है वो प्लस हो जाएगा. ये दोनों टर्म्स जो है वो प्लस हो गए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगेन. Similar question, but
नंबर्स आर डिफरेंट. सो देखिए a माइनस बी टाइम्स x प्लस ए प्लस बी टाइम्स y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर. इस बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इफ यू एक्सपैंड दिस यू गेटिंग a प्लस बी टाइम्स x प्लस ए प्लस बी टाइम्स y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आप गेस कर सकते हैं क्यों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना चाह रहा हूं. क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 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 सो ए प्लस बी इंटू वाई ए प्लस बी इंटू वाई इज डायरेक्टली गेटिंग कैंसल. सो अगर सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स कॉमन लिया तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज माइनस 2b square. So x times a minus a cancel हुआ. So minus 2b is equal to यहां minus 2b common लिया तो आपको a plus b आ रहे हैं. So minus 2b cancel हो गया. So x is equal to simply a plus b. Next y का value चाहिए. So y का value कैसे आएगा? x is equal to a plus b. कोई भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. आई सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन. सो सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इन इक्वेशन वन. सो यू गेट ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू a square minus 2ab minus b square. This implies yaha a square minus b square plus a plus b times y is equal to a square minus 2ab minus b square. So a square minus b square, a square minus b square cancel hua. This implies y is equal to minus 2ab by a plus b. So x ka value aa gaya, y ka value. Again, basic simplification skills are required. Okay, यहाँ कुछ ज्यादा concept नहीं है. The concept is simply the application of any of the three methods that you know. Here, the question is about your simplification skills. ये cancellations कैसे करिएगा, simplifications कैसे करिएगा, वो अच्छे से practice करना है. So let us look at the next question. So, इसमें देखिए एक इक्वेशन बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी. दिस इज इजी. नेक्स्ट इक्वेशन यू हैव ए एक्स टाइम्स वन बाई ए माइनस बी माइनस वन बाई ए प्लस बी प्लस सी वाई टाइम्स वन बाई बी माइनस ए माइनस वन बाई बी प्लस ए इज इक्वल टू टू ए बाई ए प्लस. सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. लेट अस सी वेयर दिस इज गोइंग. सो ए एक्स टाइम्स फ्रैक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एलसीएम लेंगे. LCM is a minus b times a plus b. Numerator में क्या आएगा? a plus b minus of a minus b plus cy times. LCM is b minus a times b plus a. ऊपर क्या आएगा? b plus a minus of b minus a is equal to 2a by a plus b. This implies ax times देखिए a plus b minus of a minus b का मतलब minus a plus b by a minus b into a plus b plus cy times b plus a minus b plus a by b minus a into b plus a is equal to 2a by a plus b. ध्यान से देखा तो a plus b यहां भी है यहां भी है यहां भी है, कैंसिल हो रहे. This implies ax times a and minus a gets cancelled at 2b by a minus b. b and minus b gets cancelled. cy times 2a by b minus a is equal to 2a.
ए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज, देखिए यहां भी a माइनस बी है, यहां b माइनस ए है। सो 1 बाई ए माइनस बी अगर कॉमन लिया तो यू गेट 2 बी एक्स माइनस 2 सी वाई इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज 2 बी एक्स माइनस 2 सी वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस बी। 2 बी एक्स माइनस 2 सी वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस बी। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो सेकंड इक्वेशन क्या है, बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, आई मल्टीप्लाई इट विथ 2, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 बी एक्स सेम हो गया। नाउ इफ यू एड दीज टू इक्वेशंस, 2 सी वाई माइनस 2 सी वाई कैंसिल हो गया, 4 बी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बी प्लस 2 बी कैंसिल हो जाएगा 4 ए। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए बाय बी, एक्स इज इक्वल टू ए बाय बी। एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द अदर, माइनस 4 सी वाई इज इक्वल टू माइनस 4 बी, सो यू गेट वाई इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया बी बाय सी। सो एक्स इज ए बाय बी, वाई इज बी बाय सी। सो आई होप द सिंप्लीफिकेशन इज क्लियर।